हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने एक महीने पहले बरेली में ऑपरेशन करवाया था आंखों का, क्योंकि उनकी आंखों में हो गया था मोतियाबिंद। तो फ्रेंड्स, एक महीना कंप्लीट होने का डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप दिखवा दीजिएगा और तब हम चश्मा उतरवा देंगे। आपका जो चश्मा है, चश्मा लगा था उनका काले रंग का, तो वो चश्मा हम उतार देंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा था कि एक महीने बाद वो दिखवाने आइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं मम्मी जी को दिखवाने बरेली के हॉस्पिटल, एके हॉस्पिटल, एके आई हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित तरफदार जी के पास। और चलिए आज उनको चलते हैं और डॉक्टर साहब देखते हैं क्या कहते हैं। तो हम जाएंगे शाहजहांपुर से बरेली होते हुए और रास्ते में घूमते फिरते हुए मम्मी जी के साथ, और देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और चश्मा उतारने के लिए क्या बताते हैं। देखते हैं कि चश्मा मम्मी जी का उतरता है आज या नहीं उतरता। जैसा भी होता फ्रेंड, चलते हैं और देखते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मस्ती ज्ञान बाय ऋषि गालरा। चले फ्रेंड, मैं तो चल रहा हूँ तैयार होने और चलता हूँ शाहजहांपुर से बरेली मम्मी को दिखवाने। फ्रेंड्स, आप भी चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, गाड़ी में पेट्रोल काफी कम है। ये देखिए, जो पेट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, डिपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पेट्रोल डलवा लिया जाए। फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए पेट्रोल पंप और चलिए यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में और आगे का सफर तय करते हैं उसके बाद। 1,550 का डाल दो। तो फ्रेंड्स, हम डलवा रहे हैं पेट्रोल और फिल करवा लेते हैं, क्योंकि जाना है काफी दूर और गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा नहीं था नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले पेट्रोल डलवा लिया, कहीं ऐसा ना हो 1,550, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए रास्ते में। ये देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोल पड़ रहा है गाड़ी में और जो मेरा एम्प्टी दिखा रहा था पेट्रोल, ये लिए कार्ड। ये फ्रेंड्स, मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब हम बस शहर के बाहर हमारी एंट्री होने वाली है। ये देख सकते हैं आप, बस हम शहर से बाहर निकल रहे हैं। ये बाईपास है फ्रेंड्स, एक छोटा रास्ता है, हमको घूम के नहीं जाना पड़ा। सीधा यहाँ से निकलेंगे तो सीधा शहर के बाहर, पुल नहीं पड़ेगा गर्रा पुल। वहाँ वो जो बड़ा पुल पड़ता गर्रा वाला, वो पुल यहाँ पे नहीं पड़ेगा, हम सीधा निकल जाएंगे यहाँ से। काफी जाम लगा रहता है, जब से पुल बन गया है तो बहुत ही सहूलियत हो गई है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर पुल बना है। रास्ता दोस्तों, फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा रास्ता कट रहा है और लगभग अभी भी 40 किलोमीटर बचा है बरेली। देखते हैं कितना समय लगता है और पहुंचने में। 1 घंटा तो हो गया हमको निकले हुए लगभग। चलिए चल रहे हैं, रास्ता कट रहा धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। ये देखिए, चलते हैं आगे और जो हमारा सफर है वो धीरे धीरे तय हो रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बरेली। वो लगभग 40 किलोमीटर रह गया, ये देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे सफर तय हो रहा है, लग रहा है चारों तरफ। ये देखिए, सरसों के खेत हैं और बस 21 किलोमीटर का सफर रह गया फ्रेंड्स। ये देखिए, सरसों की खेती है चारों तरफ, काफी अच्छा नजारा लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो टोल प्लाजा है, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में ये देख सकते हैं आप, बस ये शुरू होने ही वाला है लगभग। ये देख सकते हैं आप, टोल प्लाजा अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी ये बंद है और ये बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, अभी ये टोल प्लाजा बन रहा है फ्रेंड्स। बरेली अब से 9 किलोमीटर रह गया है और
रास्ता बचा है, तो एक सामने वाला वे है बरेली जाने का और एक ये बाईपास है, एक ये भी वे है बरेली जाने का। तो हम लोग इधर मुड़ गए दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये दिल्ली का हाईवे फ्रेंड, ये मुरादाबाद दिल्ली होते हुए मुरादाबाद होते हुए इस रास्ते दिल्ली जाया जा सकता है। फ्रेंड्स हम बरेली शहर में आ गए, देख सकते हैं आप यहाँ पे जाम लगा हुआ है और ये लाल बत्ती है, तो जब लाल बत्ती ग्रीन होगी हमारे रूट के लिए तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। हम बरेली पहुँच चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज हमने लास्ट टाइम 30 नवंबर को मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाया था और आज पूरा एक महीना हो गया, 30 दिसंबर है फ्रेंड, तो हम मम्मी की आंखों को दिखवाना है, आज शायद इनका चश्मा उतर जाएगा। तो हम हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए फ्रेंड, और बरेली में आ गए, हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए, अब हम उतर रहे हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इनका चश्मा उतारने के लिए कहते हैं या अभी कुछ दिन और पहनना है। फ्रेंड देखते हैं और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा ऊपर डॉक्टर साहब से मिलने के बाद। चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और अंदर एंट्री बस कर रहे हैं, ये चले इस हॉस्पिटल में आए, मम्मी का ऑपरेशन आंखों का हुआ था इसी हॉस्पिटल में हुआ था, और हम डॉक्टर साहब को ऊपर दिखवाने जा रहे हैं फ्रेंड, और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जैसा होगा आपको बताता हूं। फ्रेंड लिफ्ट चल नहीं रही है, लाइट गई हुई है तो लिफ्ट नहीं चल रही, तो हमको सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। आज मैं हल्कल के वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठ सीढ़ियों से चल रहे ऊपर, और चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, दिखाते हैं डॉक्टर साहब को, देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। फ्रेंड ये मम्मी की आंखों की जांच हो रही है, देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही सुंदर क्लिनिक बना है डॉक्टर साहब का, आंखों की जांच हो रही है, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाया जाएगा, वो बताएंगे कि चश्मा इनका उतरना है या कब उतरना है। दूसरी जांच हो रही है मम्मी की, ये भैया कर रहे हैं, ये भैया ये कर रहे हैं, ऊपर से नहा धो सकते हो अभी, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर अमित तरफदार जी और मम्मी, इन्होंने बोल दिया कि मम्मी की आँख का जो चश्मा है वो आप उतार सकते हैं अब, और ये देखिए मम्मी का पूरा चश्मा एक महीने बाद उतरा फ्रेंड्स, एक महीने बाद, और डॉक्टर साहब ने अनुमति दे दी है कि आप चश्मा उतार सकते हैं और बिना चश्मे के आप सब देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। फाइनली फ्रेंड मम्मी के जो चश्मा है पूरे एक महीने बाद उतर गया, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। एक महीने बाद पूरा जो चश्मा उतरा है आज मम्मी का, और एक महीने मम्मी ने पहन रखा था, 30 नवंबर को चश्मा इनके लगा था और 30 दिसंबर फ्रेंड, और आज के दिन उतर गया है, तो मम्मी बहुत खुश है, हैप्पी हैं, और इनका चश्मा उतर गया तो काफ़ी हैप्पी, आज काफ़ी एक कह रही कि बहुत ही जो मेरे से पे भार सा था कंटिन्यू चश्मा लगाने का वो उतर सा गया है, तो काफ़ी महसूस करी, काफ़ी अपने आप को एक इनके अंदर काफ़ी फीलिंग जो है बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, और हैं कहीं खाना खाते हैं कि काफ़ी भूख लगी है, और सुबह में नाश्ता भी करके नहीं आया था, तो फाइनली मम्मी का चश्मा उतर गया है और लगी है बहुत तेज भूख,
तो फ्रेंड चलिए कुछ खाते हैं, खाना खाने का भी मन नहीं फ्रेंड, लेकिन हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिले, कुछ देखते हैं, कुछ सड़क पे स्ट्रीट फूड लगा हुआ तो खाते हैं, और चलिए देखते हैं क्या खाते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं उतरा हूँ गाड़ी से, और यहाँ पे एक बिरयानी, वेज बिरयानी बिक रही है, ये स्ट्रीट फूड है फ्रेंड्स। तो हमने सोचा इसको टेस्ट करके देखें कैसी बन रही है, तो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड चलिए खाते हैं वेज बिरयानी। ये देखिए फ्रेंड वेज बिरयानी बन रही है, ये फ्रेंड मैं खाऊंगा, मम्मी के लिए बनवा रहा हूँ। एक्चुअली मम्मी बहुत तीखा नहीं खाएंगी, बहुत चटनी वटनी नहीं खाएगी, तो उनके लिए एक सिंपल सी बनवा रहा हूँ। और जो हमारी ताई जी हैं उनके लिए फ्रेंड मैंने टिक्की का ऑर्डर दिया। ये बिरयानी बनकर तैयार होगी हमारी वेज बिरयानी, देख सकते हैं, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। चलिए फ्रेंड्स को खाते हैं, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स मैं खा चुका हूँ बिरयानी, बहुत टेस्टी थी, थोड़ा तीखा बनता लेकिन बहुत मज़ा आया खा के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मत्ती ज्ञान बाय ऋषि कालरा। अब आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। क्योंकि आज सर्दी काफी थी लेकिन धूप निकल आई फ्रेंड, सुबह बहुत ठंड थी लेकिन अब थोड़ी धूप निकल आई फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय, और आपको मिलते हैं एक नई जगह एक नए ब्लॉग के साथ। बाय फ्रेंड्स।